तीसरी घटना कल घटी है तो उसके बाद तो हम लोगों ने जो पहले जो दूसरी घटना घटी थी तत्काल सब तरह की बात हुई। पहली घटना तो आप ही लोगों ने बताया था, एक जगह हमसे बाहर से आ रहे थे तब, तो तुरंत हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी लेकर के सब कुछ जो करना था वो किया उनके हक में। और दूसरी घटना के बारे में तत्काल मालूम हुआ किया। और कल के बारे में तो अचानक जो दो लोगों की हत्या और एक को भी किया है वो इंजर्ड है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है, इसकी जानकारी जैसे ही मिल गई वैसे ही पूरी जानकारी भी हम लोगों ने ले लिया और तुरंत वहाँ के जो माने महामहिम उपराज्यपाल हैं उनको हम लोगों ने हमने तुरंत फ़ोन करके बातचीत भी किया कि भाई देखिए बड़ा कंसर्न्ड है, ये बिहार का एक पहले हुआ फिर दूसरा हुआ फिर आज दो हो गया, ये सब कुछ हुआ, इसको हम लोगों को लेकर के काफ़ी चिंता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इस बात को पूरे तौर पर देख रहे हैं, सब कुछ की तरह की बात उन्होंने सारी बात की। तो ये तो है, वहाँ पर तो कोई गड़बड़ तो हो ही रहा है, कुछ लोग जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके साथ कुछ हो रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि घर के अंदर घुस करके जो कल वाला इंसिडेंट आया तो जैसे ही न्यूज़ से ही जैसे ही हम लोगों को जानकारी तुरंत मिली है उसके बाद ही हम लोग काफ़ी इस बात को लेकर के सक्रिय रहे हैं और हम लोग इस बात को लेकर के एकदम वहाँ भी अलर्ट कर रहे हैं कि देख लिया जाए कि लोग तो जाने के लिए स्वतंत्र है, देश के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए जाने के लिए तो कोई भी नागरिक स्वतंत्र है, अब वो जाता है, अब गरीब गुरबा तबका है, अब उस तरह से उसकी हत्या हो रही है तो इस पर ज़रूर पूरे तौर पर एक्शन होना चाहिए। ये बात तो हम लोगों ने बातचीत कर लिया, हम लोगों की आपस की भी बातचीत घटना जैसे ही घटी है आपस में भी बातचीत हुई और हम लोगों ने वहाँ भी बातचीत किया, तो अब इस बात की उम्मीद है कि आगे इस पर ज़रूर कॉन्शस रहेंगे और इस तरह के लोग जहाँ रहते हैं उनमें कोई अटैक न करे, इसके लिए उसके सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करें ताकि कोई इस तरह का काम न कर सके। जब देख रहे हैं कि ऐसे ही लोगों का तो फिर तो जानकारी ले करके कि कोई बाहर का लोग किधर है, क्यों उसको कोई तंग कर रहा है जानबूझ करके लोगों को यहाँ से भगाने के लिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में तो लोग निश्चित रूप से अलर्ट होंगे वहाँ और इस पर उचित कदम उठाएंगे ऐसा हमको भरोसा है। लेकिन हम लोगों को बहुत दुख है, बहुत दुखी है। अब जो कुछ भी हम लोगों से संभव है उसके परिवार के लिए। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।